Hello students, welcome to Pathway classes. So today's topic is planning and organizing of labor welfare subject, lecture number 2. This is the lecture number 2. Okay, and those who are preparing for UGC NET exam or PSUs or for MBA in HR, they can get a help from Pathway classes, right? So first, what is planning? Planning is a fundamental management function which involves deciding beforehand what is to be done, when is to be done, how is to be done, and who is going to do it. So planning is just a management function जो पहले से हमें decide, जो हम पहले से decide करते हैं, plan करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या क्या करना है और कब करना है और कौन उसको complete करेगा, ठीक है? Planning is nothing but thinking before the action take place. Planning is just a thinking or it's a planned process जो हम action से पहले करते हैं. It consists of selecting enterprise objectives, policies, programs, procedures and other means of achieving these objectives. ये क्या करता है? Organization में, enterprise में objectives को select करने के लिए help करता है, policies, programs, procedures और बहुत सारे गोल्स को अचीव करता है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है. नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड, नेचर ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. प्लानिंग इज अ फर्स्ट प्रोसेस. प्लानिंग के बाद ही सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट? सो प्लानिंग एक गोल प्रोसेस है जो कि हमें गोल के लिए, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता, मतलब ऑनगोइंग चलता रहता है. एंड प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग क्या है? एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है, तो प्लानिंग के बाद ही सारे प्रोसेस आते हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया? ये फॉरवर्ड लुकिंग है, इसके बाद ही सारे प्रोसेसेस को देखा जाता है. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. प्लानिंग ऑल परवेसिव. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव मीन्स ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर हमेशा ही यूज होता है. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे है? बिकॉज इसमें जो भी मैनेजर होता है उसकी मेंटल एक्सरसाइज होती है, उसका मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होता है और वो ज़्यादा सोचता है, जजमेंटल होता है, इमेजिनेटिव होता है, राइट? सो प्लानिंग को हम एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं. प्लानिंग हेल्प्स टू मेक डिसीजन. प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग डिसीजन में हेल्प करता है. नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में होता है, फर्स्ट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. प्लानिंग क्या करता है? फ्यूचर परफॉर्मेंस में हेल्प करने में हमारी हेल्प करता है, राइट? इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है. इट मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ये क्या करता है? ये जो भी रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है वो उसको मिनिमाइज करता है फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है? इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज एक एग्जांपल है, सेल्स के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मार्केटिंग के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एचआर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सबको क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तब अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है? और इट स्टेट्स इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ फॉर एक्शन. ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, कि हमारी कैसी डायरेक्शन होगी फ्यूचर में. ये हमें हेल्प करता है कि हमारी क्या डायरेक्शन रहेगी फ्यूचर में, ठीक है? इट आइडेंटिफाइज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है फ्यूचर में क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या क्या और क्या क्या थ्रेट्स होंगे. इट सेट्स आउट स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग. ये क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग को डिफाइन करता है, फाइंड आउट करता है. कैसे करता है? क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है. जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको, जो हमारा और जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेट किया है उससे कंपेयर करता है और हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कैसे, मतलब कितना हमने अचीव कर लिया है और कितना गोल हमें और अचीव करना है और कितने एफर्ट्स हमें और डालने हैं. नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले हमारा क्या होता है? एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज का, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या हमें और सेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. हम ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं कि यार हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो वो हमें अचीव करना है. सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड्स को, हम सेट कर लेते हैं. उसके बाद है डेवलपिंग प्रिमाइसिस. डेवलपिंग प्रिमाइसिस में ये होता है कि हम क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये होगा तो हम क्या 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 नई नई चीज़ों को अप्लाई करेंगे, और अगर ये होगा तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? अगर हमारी ग्रोथ होगी तो हमें
क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा अच्छा करना है, या हमारे हमें लॉस हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हम ये हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। हम ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उसमें से हम बहुत सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। फिर हम क्या करते हैं, उसको हम इवेल्युएशन की प्रोसेस में लेकर आते हैं, मॉनिटर करते हैं, हम उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, सारे ऑल्टरनेटिव्स को, और इवेल्युएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें बेस्ट लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक्शन प्लान। हम क्या कर देते हैं, एक्शन को हम ले लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि हमारा कितना इम्प्रूव हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में कितने गोल्स हमने अचीव करे, वो सब हम रिव्यू करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइन हाउ द पोजिशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन टू कम्पीट इफेक्टिवली इन देयर एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक प्लान वो इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हमारे जितने भी वीकनेसेस होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, थ्रेट्स होते हैं, ये जो हमारा होता है शॉर्ट एनालिसिस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पोजीशंस को देखते हैं कि हमारा ये हेल्प करती है हमें फाइंड आउट करने में, पोजीशन क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या पोजीशन है एनवायरमेंट में, क्या हमारा मतलब पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, हमारी होल एनवायरमेंट में। नेक्स्ट है टैक्टिक प्लान्स। टैक्टिक प्लान्स क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है एक स्ट्रेटेजिक प्लान का, ठीक है, और ये क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने में, उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है, जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं वो ज़्यादातर हायर लेवल वाले लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट लेता है, जो टैक्टिक होता है वो मिडिल लेवल वाला लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कवर ऑल द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पुट इन टू प्रैक्टिस द वेजेस एंड एक्शंस स्टेप्स टू अचीव द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड वेरी, ये क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो यूजुअली लेस देन एक साल से पहले पहले ये खत्म हो जाता है। मतलब ये टैक्टिक से भी छोटे प्लान्स होते हैं जो मतलब उसी टाइम में यूज होता है, उसी टाइम में ये खत्म हो सकता है, ठीक है, विद इन वन ईयर से कम कम टाइम में खत्म हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं और उसको हम एक्शन, उस एक्शन को हम यूज करते हैं और अचीव करते हैं हमारे प्लान्स को। नाउ इन आ नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग प्लानिंग हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। प्लान के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, हम उनको सेटअप करते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, जितने भी ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है, सारी ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है एंड इस्टेब्लिश करता है हमारी अथॉरिटी को रिलेशनशिप्स के साथ, मतलब जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के साथ जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ, अटेन कर पाएँ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स फ्रेमवर्क नीडेड टू रीच अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइज हम जिस तरह से करेंगे, बिकॉज हमेशा कोई भी चीज़ होती है हमें प्लान के बाद हमें ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है, किस तरह से हमें रखना है उस चीज़ों को, उन चीज़ों को हम डेली यूज़ में भी देखें, डेली लाइफ में भी देखें, अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे करेक्ट तरह से तो हमारा जो गोल है वो हमारा अचीव नहीं होगा, वो मतलब जो हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वही बताया कि एक फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें कि हम कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रीच करते हैं, और मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और फुलफिल करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज यूज्ड इन मैनेजमेंट लिटरेचर टू वेजेस में आता है, एक तो होता है हमारा स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर वे और एक होता है हमारा प्रोसेस वे, ओके। एंड इन अ नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम देखें
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में ये होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई कोई अलग अलग स्पेशलाइजेशन का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एचआर का है, ठीक है, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, ठीक है, कोई आईटी से है। तो इसमें क्या होता है, हम हमेशा पूरा स्पेशलाइजेशन रहता है, हर एक फील्ड का स्पेशलाइजेशन रहता है, ठीक है, हर एक फील्ड के पीपल रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं। वेल डिफाइंड जॉब्स, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में जो भी जॉब्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, वेल डिफाइंड, अच्छे से बिल्कुल हर एक जॉब्स को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लैरिफाइज, क्लैरिफाइज अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्लैरिफाई किया जाएगा, मतलब जो हमारे सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स हैं, जितने भी सुपीरियर्स के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, वो कमांड देते हैं और जो हमारे जूनियर्स होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबके साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को, प्रोसेस को जल्दी कर सके। अगर हमारा मैनेजमेंट ही इफेक्टिव नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारा इफेक्टिव नहीं होगा, तो हमारे गोल्स को अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादातर बेसिस पे देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्रोथ भी होगा और डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, मतलब जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जैसे एचआर का है अलग, मार्केटिंग का अलग, सेल्स का अलग, ठीक है। और उसके अंदर भी हमारा क्या है, फंक्शंस क्या क्या है हमारे, उसके अंदर भी क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे, क्या क्या रोल्स हैं हमारे, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ही अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, हमें सिक्योर फील कराता है, इसमें हमारा ज़्यादातर सिक्योरिटी बेस्ड रहता है, ठीक है। स्कोप ऑफ न्यू चेंजेस, न्यू चेंजेस, नए नए चेंजेस में, नए नए चेंजेस आते हैं, ठीक है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से, ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमने पहले से ही पढ़ लिया प्रीवियस स्लाइड में, जो कि मतलब हर एक स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे एचआर, मार्केटिंग, सेल्स का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, आईटी के अलग होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, हर एक पर्सन का जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो वो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पैम, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, सुपरविजन, जो हमारा सुपीरियर होता है वो क्या करता है, हमें हैंडल करता है, मतलब सबॉर्डिनेट्स को अपने हैंडल करता है, उनको कमांड देता है, और वही मतलब एक टाइप का सुपरवाइजर होता है, वही पूरा सब कुछ हैंडल आउट करता है, ठीक है, तो स्पैम ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद है स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में ये होता है कि जो टॉप से बॉटम वाले होते हैं एक पूरी चेन में होने चाहिए, और वो मतलब एक दूसरे की हेल्प करे। सपोज अगर मिडिल वाला है, मिडिल को हेल्प चाहिए तो वो टॉप लेवल से लेगा, और अगर लोअर को चाहिए तो मिडिल लेवल से लेगा, ठीक है। तो एक स्केलर चेन होनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास कमांड नहीं होगी, और कमांड कौन देता है, वो देता है हमारा सुपीरियर, किसको देगा, सबॉर्डिनेट्स को देगा, तो वो कमांड होने ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमांड ही नहीं होगी हमारे पास, अगर कोई हमारा सुपीरियर हमें डील नहीं करेगा, अगर हमें कमांड नहीं देगा, तो जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ इन अ नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, जो भी हमारे डिवीजन्स होंगे वो हमारे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो भी यूनिट्स होंगे हमारे टोटल वर्क का वो हमारा जॉब में आया जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन असाइंड वन जॉब ओनली, हर एक इंडिविजुअल को एक एक जॉब दी जाएगी और वो उसे फुलफिल करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो जॉब्स देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्क को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन द स्मॉलर ग्रुप्स,
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स। ठीक है, वो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेजेस में कर सकते हैं। एक तो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, दो टाइप्स के डिपार्टमेंटल होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। तो फंक्शनल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो प्रोडक्शन में ही आएंगी, और जो भी सेल्स का है तो वो सेल्स में ही आएंगी। और डिवीजन में अगर हम बात करें तो डिवीजन भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल या फिर मेडिसिन वाली शॉप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्रोडक्शन, उसका क्या होगा, डिविजन्स भी अलग हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ जॉब, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स और ड्यूटीज़। तो हम असाइन कर देते हैं उनको जॉब्स को, जो जो मतलब जिस जिस कैपे जो जो जिस जिस के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस जिस एम्प्लॉय के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, हम उसमें जॉब्स को असाइन करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो असाइन करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसको रिपोर्ट करेंगे। हमने जॉब्स तो असाइन कर दी, उसके बाद अगर हम बताएंगे तो हम किसको बताएंगे, जैसे जो भी मैनेजर होगा उसे ही बताएंगे। और जैसे एचआर का मैनेजर अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, आईटी का अलग होता है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर पर्सन को, जो हमारा सुपरवाइजर होगा या जो हमारा सुपीरियर होगा, उसको हम देंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे कि हाँ हमने ये काम कर लिया है और अब हमें आगे और कोई काम दो, राइट। तो हमें उसे बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन अ नेक्स्ट स्लाइड वी आर डिस्कसिंग विद द मैनेजीरियल रोल्स, राइट। सो फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल, सेकेंड वन इज़ इंफॉर्मेशनल, थर्ड वन इज़ डिसीजनल। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा दिसंबर में पेपर आया था, और प्रीवियस में भी आप देखोगे तो इसके क्वेश्चंस आए थे, शायद जुलाई में, जून वाले पेपर में आया था 2018 में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया था कि जैसे इंटरपर्सनल में क्या क्या है। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया था फिगर हेड, मॉनिटर, इंटरप्रेन्योर, राइट। तो इसमें से हमें बताना था कि इसमें से फिगर हेड कौन सा, मतलब इंटरपर्सनल कौन सा है, या फिर इंफॉर्मेशनल कौन सा है, या फिर डिसीजनल कौन सा है। तो उसमें से सब मिक्सअप कर देंगे वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो बस अब मैं एक बारी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल में अगर हम देखें, फर्स्ट क्या है डेसिमिनेटर, डेसिमिनेटर की बात करें, जो क्या कर ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइडर्स, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है आउटसाइडर्स से, और क्या करता है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, अगर हम देखें कंप्यूटर में देखें तो मॉनिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नर्व सिस्टम ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही क्या होता है, जो मॉनिटर होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, एक नर्व सिस्टम को प्ले करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारा इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत सारी। नाउ इन अ नेक्स्ट पॉइंट स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन क्या होता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को टू आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये करता है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को आउटसाइडर्स को, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, वो सब ट्रांसमिट करता है, तो वो क्या हो गया स्पोक पर्सन। नाउ इन अ नेक्स्ट सेशन डिसीजंस, डिसीजनल, डिसीजनल में क्या है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बिल्डअप करता है, डेवलप करता है, जो जो मतलब हेड होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसको अच्छे से पता होता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या वो इनिशिएटिव्स लेता है बहुत सारे, तो वो क्या हो गया हमारा रिस्क टेकर भी होता है ना, इंटरप्रेन्योर। तो रिस्क टेकर भी हम बोल सकते हैं, इंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो अ रिस्क टेकर, राइट। इन अ नेक्स्ट पॉइंट डिस्टरबेंस हैंडलर। डिस्टरबेंस हैंडलर क्या होता है, ये क्या करता है, जितना भी रिस्पॉन्स, जितना भी कलेक्टिव एक्शंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, उसको हैंडल करता है, कलेक्टिवली हैंडल करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर की बात करें तो ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशंस। ये क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नेगोशिएशंस होते हैं तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो नेगोशिएटर ये प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है, ये अप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिसोर्सेज आने चाहिए और कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब वेस्टेज नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज को, सही तरह से यूज करना वो रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है। नाउ इन अ लास्ट पॉइंट इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या है, फिगर हेड। फिगर हेड में अगर हम देखें फर्स्ट क्या है, फिगर हेड अ सिंबॉलिक हेड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रूटीन वर्क्स और ड्यूटीज ऑफ अ लीगल एंड सोशल नेचर। ये क्या करता है, जितना भी परफॉर्म जो भी हमारा रूटीन वर्क है, रूटीन ड्यूटीज है, किस तरह से हो रही है, वो करेक्ट तरह से यूज हो रही है, मतलब फुलफिल हो रही है, परफॉर्म हो रही है नहीं, ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लीडर। लीडर क्या हो गया, जो लीड करता है, जो मोटिवेट करता है और जो डायरेक्ट करता है लीडर। लेजन, लेजन ऑफिसर। लेजन ऑफिसर क्या होता है, मेंटेन करता है एक नेटवर्क को आउटसाइडर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ठीक है, और क्या करता है, जो प्रोवाइड्स करता है उनको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, जो एक आउटसाइडर कॉन्टैक्ट ऐसा बनाता है कि आउटसाइडर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, ओके, टुडे दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। सो इन अ नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, राइट। कुछ 2 to 3 टॉपिक्स आर देयर इन यूनिट 1। उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड यस, वन थिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड यस, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी कन्फ्यूजन इन एनी टॉपिक, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन अ बिलो मेंशन लिंक, राइट। ओके, थैंक यू।